कांग्रेस पार्टी की ओर से ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रभारी राजेंद्र परसवाल ने मंगलवार को ब्यावर एवं जवाजा पहुंचकर कांग्रेस से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक आवेदकों से बंद लिफाफे में आवेदन स्वीकार किए। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वालों की इस बार लंबी लिस्ट है। यूं कहे कि चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करने वालों में भी होड़ मची देखी गई तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहरहाल कारण कुछ भी हो, लेकिन चुनाव लड़ने वाले आवेदकों में तो कुछ ऐसे हैं जिनका जमीनी धरातल तक नहीं है, वे भी विधायकी के सपने संजो रहे हैं। प्रभारी परसवाल मंगलवार को शाम ब्यावर पहुंचे तथा ब्लॉक अध्यक्ष अशोक रांका के साथ रांका जी के बगीचे दावेदारों के आवेदन लिए। इस दौरान ब्यावर से 19 तथा जवाजा ब्लॉक से 5 सहित कुल 24 लोगों ने विधानसभा प्रत्याशी के लिए आवेदन किया। आवेदन करने वालों में पारस पंच ओम प्रकाश मिश्रा, मनोज चौहान, एडवोकेट रामेश्वर मेवाड़ा, राजेंद्र ओस्तवाल, आशीष पाल पदावत, प्रवीण जैन, उषा लोहिया, कल्पना भटनागर, मेघराज बोरा, राजेंद्र बाबेल, कमला दगदी, सहदेव सिंह रावत, भंवरलाल वैष्णव, प्रदीप लोढ़ा, डॉक्टर जयप्रकाश टेलर, विपिन अग्रवाल, पप्पू काठा, दलपतराज मेवाड़ा, गंगा रावत, मुकेश मरलेचा, एडवोकेट वीरेंद्र सिंह पंवार, धर्मेंद्र सिंह लोटियाना तथा आनंद सिंह रावत शामिल है। इस मौके पर पूर्व सभापति मुकेश सोलंकी, विमल चौहान, पार्षद राजेंद्र तुनगरिया, भूपेंद्र पाल पंवार, घनश्याम फुलवारी, अजय मुंद्रा, राकेश साउ तथा रामस्वरूप सेवलिया आदि अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। समिति ने प्रदेश कांग्रेस समिति और चुनाव समिति ने सामूहिक निर्णय लिया है कि विधानसभा के जो भी प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो बायोडाटा ब्लॉक स्तर पर दें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पहले ब्लॉक स्तर पर बायोडाटा लिए जाएंगे, जैसे कि आज लिए जा रहे हैं, और फिर जिला स्तर पर लिए जाएंगे, जिसके लिए जिला स्तर कमेटी में जिलाध्यक्ष और हमारे दोनों मंत्री ममता भूपेशी और आदरणीय लालचंद राय जी को अजमेर लगाया गया, अजमेर और भीलवाड़ा को। ऐसे सभी पदाधिकारियों की ड्यूटी अलग अलग जिलों में लगा दी गई है। वो 25 से 27 तक बायोडाटा जिला स्तर पर लेंगे। जो कोई मतलब इच्छुक आवेदक इच्छुक पे वो आवेदन देने का जो छूट गया हो, वो वहाँ मतलब जिले स्तर पर बायोडाटा दे सकता है। अशोक गहलोत की सरकार वापस रिपीट होने की संभावना है, जन कल्याण करने योजना लेकिन आपसी गुटबाजी कांग्रेस में है, इसका निस्तारण किस तरह से हो पाएगा ये बोला सर। गुटबाजी नहीं, इसको परिवार के छोटे मोटे नाराजगी कैसे गुटबाजी, हमारी इतनी गुटबाजी नहीं है जितने सामने वालों में है। जैसे आप देख लो, दो बार के मुख्यमंत्री का चेहरा गायब है, कहीं देखने को नहीं मिल रहा, तो हमारे को गुटबाजी हमारे अंदर नहीं, सामने ज्यादा दिख रही है। आपको लगता है सरकार की योजनाओं का लाभ चुनाव में मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। आम गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, आखिरी वंचित व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही है, तो क्यों नहीं मिलेगा? प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख भी नहीं है। ये नए जिले बने 19 नए जिले बनाए। बिल्कुल 17 नए जिले बनने से लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिलेंगी। जिला स्तर कई जैसे फ्रेंचाइजी होती है, कंपनियां होती है, जो जिला स्तर पर ही अपने मतलब जिला स्तर पे वो अपनी फ्रेंचाइजी देती है, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जिला स्तर पे जैसे आज जमीनों के लाखों के स्पेंडिंग पड़े हैं, तो जिला स्तर पर अब इनकी पेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ऐसे मतलब लोगों को सीधा लाभ मिलेगा योजनाओं का भी, और सभी प्रकार से रोजगार भी बढ़ेगा इससे। AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने स्तर पर सर्वे करवा रही है। पहले भी सर्वे हुए हैं, बीच बीच में सर्वे हो चुके और अभी भी सर्वे जारी है। और जो कॉमन नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जो नाम कॉमन सर्वे में आएंगे, उन पे विचार किया जाएगा। वर्तमान में हुए सर उपचुनाव में सरकार की थी योजनाओं के बाद भी कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया, इस पर आप क्या कहेंगे? लगातार दो उपचुनाव हारे हैं सर। सर उपचुनाव में क्या होता है, जैसे सरकार होते हुए हमारे लोकसभा का चुनाव था, आज मेरे लोकसभा का, तो भी कांग्रेस जीती है। ये उपचुनाव ये छोटा चुनाव था और हमारे नेता कार्यकर्ता अधिकतर पहुंच नहीं सके विधानसभा चुनावों को लेकर, तैयारियों को लेकर, तो इसलिए थोड़ी से वोटों से नया लड़ता है। प्रत्याशी ने ब्लॉक अध्यक्ष पे भी आरोप लगाए कि सहयोग किसी प्रकार का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लोकल की तरफ से नहीं मिला। प्रत्याशी ने आरोप लगाया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी
और वो लोग कांग्रेस कह रहा है कि ये तो फर्जी सिंबल था स्वाभाविक के इस पार्टी के सिंबल को जब फर्जी बताया गया तो क्या फर्जी सिंबल ही आ रहे हैं क्या जयपुर से सिंबल भी ब्लॉक अध्यक्ष हमारा कैंडिडेट था वो तो आपको पता है नेशनल कांग्रेस का सिंबल